कोरोना के नए मामले एक बार फिर से 2 लाख को पार कर गए। कल बड़े दिन बाद 2 लाख से कम केसेस आए थे, आज 2,08,921 केस सामने आ गए। बीते 24 घंटों में 4,157 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को सदी की महामारी बताते हुए वैक्सीन से युद्ध लड़ने की बात कही, लेकिन दिल्ली जैसी राज्य वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वैक्सीन संकट लगातार गहराता जा रहा है। COVID-19 पैंडेमिक हैड नॉट लेफ्ट अस। सेवरल नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया have experienced a second wave. This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This once in a lifetime pandemic has brought tragedy and suffering at the doorstep of many. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराना केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। ये ठीक नहीं है कि सिर्फ ये कह दिया जाए कि राज्य अपनी वैक्सीन का खुद इंतजाम करें। वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है, वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे। 2 दिन से लगातार योगी आदित्यनाथ का हर जिले में दौरा करने का कार्यक्रम है। वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट से बात कर रहे हैं और सुविधाओं को और ठीक करने के इंतजाम भी पूरी तरह से कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवरिया पहुंचे। वहां पर न सिर्फ उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया बल्कि वहां अधिकारियों के साथ बैठक भी की। देश के अंदर जो अभियान चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर नागरिक के जीवन और उसकी जीविका को बचाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस लड़ाई में देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और जितनी बड़ी आबादी है उतनी ज्यादा हमारे सामने चुनौती भी थी। विशेषज्ञों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं भी व्यक्त की थी, लेकिन टीम वर्क और जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था प्रारंभ में ही कोरोना से लड़ने के लिए कि हमें ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट के इस फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा, ट्रिपल टी के इस फॉर्मूले के आधार पर कोरोना के खिलाफ जो व्यापक अभियान चला आज उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है और उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी और प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहां स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, 15 मई तक 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज
3,300 मात्र केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक्टिव केस की संख्या जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थी, आज वह घटकर के मात्र 62,000 रह गई है। देश के लगभग हर घर ने यह महसूस किया कि जो कोरोना की पहली लहर में सुरक्षित थे, उन्हें या उनके घर में दूसरी लहर ने अपनी चपेट में लिया है। 3,00,000 से ज्यादा मौत अब तक हमारे देश में कोरोना से हो चुकी हैं। ऐसे में क्या अब भी किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने के नाम पर 30 करना ठीक है? किसानों, ग्रामीणों और देश के हित में है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के अंतिम चरणों में चुनाव आयोग की भी नींद टूटी और राजनीतिक दलों की भी। सभी बड़े नेताओं को चौतरफा आलोचना के बाद अपनी बड़ी रैलियां अंत में रद्द करनी पड़ी क्योंकि कोरोना का प्रसार ज्यादा हुआ। तो क्या यही बात आंदोलन को तेज करने में जुटे किसान नेताओं को भी अब समझनी चाहिए? जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। कुंभ में भी आस्था के नाम पर जब भीड़ जुटी और लापरवाही ने संक्रमण का संगम इंसानों के साथ करना शुरू किया तो कुंभ को बीच में रोकना पड़ा। संत सहमत हुए तो फिर क्या यही बात अभी आंदोलन तेज करते किसान नेताओं को भी समझनी जरूरी नहीं है? क्योंकि किसान जुटेंगे तो गांवों में फिर संक्रमण का खतरा होगा। सरकार ही हमें मजबूर कर रही है सड़कों पे आने के लिए, अगर आते हैं तो फिर कोविड के बहाने से हमें पीटा जाता है। देश ने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए तो दावा है 1600 से ज्यादा शिक्षक संक्रमण के कारण जान गंवा देते हैं। गांवों में कोरोना फैला तो फिर सवाल ये है कि क्या वही लापरवाही दोबारा किसान आंदोलन तेज करने के नाम पर हो रही है जिससे वापस वही गांव चपेट में आ सकते हैं जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है। कोरोना उस बंदे नु दिया वेलड बंदे नु साडे जेडे मेहनती लोग उनां नु कोरोना कोई नहीं। अमृतसर में काला झंडा सिला जा रहा है। एक घर के भीतर सिले जाते इन काले झंडों का कनेक्शन 26 मई से है। बुधवार को जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं तो देश भर में ऐसे ही काले झंडों से आंदोलन को फिर से तेज करके आगे की लड़ाई का रोड मैप बनाने की तैयारी होने वाली है। काला झंडा फहरा के विरोध दर्ज करवा कर आगे की रूपरेखा बना देंगे, अगले 6 महीने की और बना देंगे फिर, क्योंकि खुश नहीं है किसान सरकार से, तो कल काला दिवस मना के आगे की रूपरेखा बना देंगे फिर। अब यहाँ चिंता की बात यह है कि कई राज्यों में जब गांवों में 10 में से 4 लोग कोरोना संक्रमित मिलने लगे, जब कोरोना के केस थोड़े घटे लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा, जब आशंका है कि अक्टूबर में तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है, तब क्या किसान आंदोलन को फिर तेज करना समझदारी है या गांवों और किसानों को संकट में डालना माना जाएगा? रूटीन में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं रूटीन में, ठीक है, तो अभी उतनी भीड़ हम नहीं कर रहे जितनी भीड़ उस टाइम पर थी, लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। 26 मई बुधवार को यूं तो राकेश टिकैत के मुताबिक किसान और किसान समर्थक घर ट्रैक्टर गाड़ी पर काला झंडा लगाएंगे, अपने गांव और शहर में केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। दावा है कि दिल्ली तक आने की कोई योजना अभी नहीं बनाई, लेकिन किसान नेताओं के ऐलान पर जुटने वाले किसानों की हिसार से 24 मई को आई ये तस्वीरें ही कई सवाल उठाती है। इस भीड़ को देखिए, बुजुर्ग हाथ में झंडा लिए खड़े हैं। अब इन बुजुर्ग किसान को देखिए, इन बुजुर्ग और जवान को देखिए, भीड़ के बीच मास्क कहीं नहीं नजर आता। किसानों पर दर्ज केस के खिलाफ महापंचायत में जुटे किसान यहाँ चढ़कर बैठे, इन चारों में किसी ने मास्क नहीं लगाया। देखिए, क्या यहाँ कोरोना का खतरा नहीं? क्या यहाँ से संक्रमण और गांवों तक पहुँचने का खतरा नहीं? क्या ये लोग जब अपने घर अपने गांव ऐसी भीड़ में काफी लोगों से मिलकर लौटेंगे तो वायरस का आंदोलन तेज होने का डर नहीं होगा? इस फ्रेम को देखिए, 10 से ज्यादा लोग यहाँ पर लेकिन मास्क नहीं। इस लाइन को देखिए, क्या यहाँ किसी ने मास्क पहना है? ये तस्वीरें बताती हैं कि जब आप भीड़ को चाहे रैली के नाम पर जुटाते हैं या कुंभ के नाम पर या किसान आंदोलन के नाम पर, तब आप भीड़ को संक्रमण के खतरे से दूर नहीं रख सकते। इस बात को समझने की जरूरत कि सवाल आंदोलन पर नहीं बल्कि चिंता आंदोलन में जुटती भीड़ से कोरोना के फैलने की है। और ऐसे में राजनीति का हाल देखिए, सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, मायावती समेत 14 दल ने किसान आंदोलन के 26 मई के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया, लेकिन उसी कांग्रेस के पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक किसानों का धरना कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। तो किसान नेता आंदोलन से कोरोना का खतरा जताते कांग्रेस के मुख्यमंत्री की चिंता को भी खारिज करते हैं। कैप्टन सरकार 4.5 सालों में कुछ भी वादा पूरा करने से नाकाम जब हुई है,
और जो चिकित्सा व्यवस्था हमारी देश की वो चरमरा चुकी है, कोविड पर भी उनकी कोई पकड़ नहीं है। तो अपने मतलब जो नाकामयाबी है उसका भंडा जो अब किसान आंदोलन के फोड़ा जा रहा है। कुंभ से लेकर चुनावी रैलियों तक को रोकने में हुई देरी का नतीजा देश ने अभी भुगता है, इसका सच सब जानते हैं। जरूरी है कि अभी जो कोरोना की समस्या सबसे बड़ी खड़ी है उसे ही देखकर गांवों और किसानों के हित में आंदोलन को लेकर फैसला किसान करे। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।